अरे दुलू, प्लान तैयार हो गया? हाँ भाई, प्लान तैयार हो गया, बस ध्यान रखना कोई देख ना। ना ना ना, रुका बे, प्लान का यार फिर से बताओ, हम सुन नहीं पाना है। इधर आओ, इधर आओ। अब का आया है? भोसड़ी वाले अभी आधे घंटे से क्या बात कर रहे थे? थाला फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा शांत हो जाओ यार, प्लान ये है कि आज रात हम तीनों पास के तालाब में मछली चोरी करने वाले हैं। अच्छा, हरी पटवा के तालाब माँ? हाँ, जाल तोरे पास हो ही ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो तेरे पास होगी? हमारे पास एक ठे आइडिया है भाई। बोल। ताय अपने मेहरिया की साड़ी लग जा, उनसे मछली मारे खोज। तैसी वक्त तो दिवाली बात तल है बे। सही तब बोली था यार। अच्छा, नहीं तो फिर पेटी कोट लग जा। इधर आओ। अब कहे मारे? तू अपना प्लान अपने पास रख। भाई मेरे पास एक प्लान है। तहो तो बोलू। बोल। भाई मछली को कलंथे मालते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन तार कहाँ है? ताल तो भोपू के पास है। तेरे पास क्या है? मेरे पास तो भोपू है। तो भोपू के पास क्या है? भोपू के पास ताल है। भोपू तेरे पास तार है? हमारे पास तार कहाँ से रहा है? तेरे पास ताल है ये ना है? कहाँ ही बे? अले यार, वही थंबा से लेकर मीता लिस्तातल तक की केवल ताल। ना ना ना, बाप से लात नहीं मरवावे का है। इसमें लात मारने वाली बात कहाँ से हो गई? हम बोल दी हन ना, यह काम बिल्कुल नहीं कर सकी। तो ही बात नहीं, मेले पाथ हेता और प्लान है। अब का आया है? मेले पाथ नीति डोली है। ताम को 5 बजे तैथे भी तलते अपने पापा को खिला देना। आधे घंटे के लिए ताल निकाल लेना, मतली बालने के बाद फिर लदा देंगे। समझ में आया? क्या बकवास कर रहा बे, तुझे नींद की गोली कहाँ से मिली? अले यार, मैं लिए लेता हूँ। भोसड़ी के सही सही बताओ, तो खा नींद की गोली कहाँ मिली रे? नहीं अब इन लाते लात बची ना, सब बता दे। अले यार, मेरा दोस्त दिया है, दबी में लाज क्या ते मिलने दाता हूँ ना। ये डोली उठते पूले पलिबाल को खिला देता हूँ, लाजिका को देते फिर लात बल के लिए। दिंक चिक्का दिंक चिक्का दिंक चिक्का। इतना बड़ा कमीना है बे तू। वो थोल बोबू को बोल, वो तले दाती नहीं। हम न करम न करम न करम तका करिए। तो ही बात नहीं, मेरे पास ए तौर प्लान है। क्या भाई? ताल ही थली लेते हैं ना। भोसड़ी के पैसे होते तो मछली न खरीद लेते, वैसे भी इस लॉकडाउन में जीना हराम हो गया है। तो फिर भोपू को बोल, वो अपनी टेबल ताल निकाल ले। भाई आधे घंटे के लिए निकाल लेना यार। ना ना ना, फिर मछली कैसे खाओगे? ना खा प्लीज यार, तेरी मम्मी की कसम। एक तो भोसड़ी वाले बाप से लात मर गई, दूसर महतारी के मारे में तुले है। ला हो गया, दे हुई ना बात, ये ले। भाई एक बात और बोले कर रहा है। बोल आखिरी बात। लाइट चली गई तो का करिए, ढक तेली थी, ये तो थोता ही नहीं था। तो अब सोच ले। क्या? लाइट चली गई तो का करिए, क्या तालेंगे? हाँ भाई, मेरे पास एक और प्लान है। अब का आया यार? मेरी दादी जो है ना, उसकी मच्छरदानी ले चलेंगे। लग गोली मुझे भी। दे हुई ना बात, ले तू भी ले।
चल यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हरिपत वह बक्ते खड़ूस है और रात भर तालाबे में रहा था। अब ये हरिपत कौन है? मछली का पाला खाल मने हलीपत। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। तालाब पहुंचने के बाद अगर हरपत पूर्व दिशा में है तो हम लोग पश्चिम दिशा में मछली मारेंगे, अगर वो उत्तर दिशा में है तो हम लोग दक्षिण दिशा में मारेंगे, लेकिन अगर वो झोपड़ी में है तो सबसे पहले हम उसके घर की तार काटेंगे, यानी खंभे से लुग्गी को गिरा देंगे। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही लाइट बनाने के लिए वह खंभे के पास जरूर आएगा। उसी टाइम भोपू तुम उसका सही बल्ब निकाल के अपना फ्यूज वाला बल्ब लगा दो। और दूसरा, मोमबत्ती या चिमनी जलाने के लिए उसके पास दो औजार होंगे, पहला लाइटर, दूसरा माचिस। लाइटर को दरवाजे के ऊपर रखना और माचिस को दरवाजे के नीचे। उसी के बगल में एक लोटा पानी रखना, फिर अपनी पोजीशन पे चले जाना। इधर हरिपत लुग्गी फांसने के बाद देखेगा कि घर की लाइट नहीं जल रही, तो वह पुनः झोपड़ी के पास आएगा। जैसे ही दरवाजा खोलेगा वैसे ही लाइटर गिर के टूट जाएगा और माचिस में पूरी तरह पानी फैल जाएगा। कीपैड मोबाइल की टॉर्च से देखेगा कि बल्ब फ्यूज हो चुका है। अब उसके पास दो ऑप्शन बचेंगे, पहला रात भर अंधेरे में रहे, या फिर दूसरा बल्ब या माचिस लेने दुकान जाए। जाहिर सी बात है वो रात भर अंधेरे में नहीं रहेगा, वह माचिस या बल्ब लेने जरूर जाएगा। अब झोपड़ी से दुकान की दूरी 12.5 मिनट और माचिस या बल्ब लेने में लगेगा टाइम 5 मिनट, यानी 12.5 दूना 25 और 5 30 मिनट का समय हम लोगों को मिलेगा। इसी बीच हम लोग मछली चोरी कर लेंगे। समझ में आया मुझे? ओ दैया रे, मछली चोरी कर जाई थे कि बैंक लूट है? अबे कोई भी काम शिद्दत से करना चाहिए। मान दे दुलू आपको, ऐते ही गुलू नहीं तहते हैं आप। चला फिर भैया, चलो फिर।